हेलो नमस्कार, इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और फाइनली दोस्तों आरआरबी पीओ की सभी शिफ्ट एंड हो चुकी है। मेरा एग्जाम दोस्तों 4 शिफ्ट का था, इसलिए मैं भी सेल्फ क्यून एग्जाम एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। मेरे अगर ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 63 अटेम्प्ट हैं, और इंडिविजुअल की बात कर लें तो 36 तो अपने रीजनिंग में और 27 पॉइंट के अंदर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लूँ अपने एग्जाम के लेवल की। एग्जाम दोस्तों थोड़ा सा ईजी लगा मुझे, इतना कोई हार्ड की बात नहीं थी। और अगर मैं बात कर लूँ क्वेश्चन की तो 9% का एक वो आया था MDCO वाली क्वेश्चन से, आप पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चन उस पर थे, 11% का एक बॉक्स टाइप में पजल आई थी, 5 क्वेश्चन उस पर थे। एक क्वेश्चन दोस्तों ओनली एक पजल पूछी थी, एक क्वेश्चन ही था उसमें। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 6 जने बैठे थे, एफ की साइड वो सिचुएशन मतलब कहाँ से किस साइड से वो पूछा था। ठीक है, और इनइक्वालिटी 3000 इनइक्वालिटी सिलॉक्स थी, और डायरेक्शन की अगर बात कर ले तो 4 क्वेश्चन डायरेक्शन का थे। और ब्लड रिलेशन दोस्तों 3 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था कलर बेस्ड। ठीक है, कलर पसंद कर रहे हैं 7 जने बैठे हैं, इन साइड टेस्ट कर रहे हैं और कलर पसंद कर रहे हैं। अनसर्टेन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया था, सभी नॉट फेस कर रहे हैं, और 23% इसका एलजे ट्रांसफर है। और मंथ बेस पजल आई थी 5 और 12, 2 डेट थी और 5 मंथ थे। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर के 5 एग्जैक्ट पजल थी और 1 नंबर की 1 पजल थी छोटी सी। ठीक है, तो ये मेरा रीजनिंग का एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट की, तो अपने 6 से 7 अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज थे, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात कर ले तो 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 DAE में दोस्तों एक अपने लैपटॉप का प्रोडक्शन का पूरा दे रखा था, और एक में मोबाइल और लैपटॉप, उसमें भी दोस्तों डेटा अपन को निकालना था। ठीक है, ऐसे जैसे कि 10,625 का 40% दे रखा है मोबाइल प्लस लैपटॉप के अंदर, ऐसे करके 5 ईयर थे 16, 17, 18 और 19। हाँ, ऐसे 4-5 ईयर थे। ठीक है, और सेकंड जो ये थी वो चाय पत्ती और कॉफी वाली थी, वो एकदम लाइन ग्राफ से आप बोल सकते हैं, बहुत ईजी था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था दोस्तों कैश लेट में, और एक क्वेश्चन मैंने एज वेस्ट क्वेश्चन बनाया है आलिया की एज निकालने की 35। ठीक है, तो ये ओवरऑल दोस्तों एनालिसिस है। आपको शिफ्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपने अटेम्प्ट जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।